हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद काशनी में। आज मैं लेकर आई हूँ कुल्फी की रेसिपी। हम बनाने जा रहे हैं रोल कट मावा मलाई कुल्फी। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में जो ये बेल का आइकन है उसे दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छे लगें तो थम्स अप दें। सबसे पहले एक कढ़ाई में 1/4 कप पानी ऐड करें, फिर इसमें 1 लीटर फुल फैट दूध ऐड करना है। कुल्फी बनाने के लिए आप हमेशा फुल फैट क्रीम वाला दूध लें। यहाँ मैंने अमूल गोल्ड दूध लिया है। अब इस दूध को चलाते हुए उबाल आने देना है। गैस की फ्लेम को आप मीडियम पर कर सकते हैं। थोड़ी देर में जब दूध में उबाल आ जाए तब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही थोड़े बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता। इन सब को मिलाकर दूध को उबलने देना है। दूध को हमें ऑलमोस्ट हाफ होने तक के बॉईल करना है। इसे मैं साइड में उबलने दूंगी। तब तक हम यहाँ पर शक्कर को बना लेंगे। तो इस रोल कट कुल्फी में शक्कर को कैरेमल करके यूज़ किया जाता है। तो आप आधा कप से 3/4 कप जितनी शक्कर ले लें। इसे हमें बिना चलाए कैरेमल होने देना है। गैस की फ्लेम को लो पर रखें। थोड़े देर बाद ही शक्कर कैरेमल होने लगेगी। इसे हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि शक्कर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। शक्कर का गोल्डन कलर आ चुका है तो ये हमारा कैरेमल तैयार है। दूध भी उबलते हुए आधा हो चुका है। अब बड़ी केयरफुली इस कैरेमल को उबलते हुए दूध में ऐड करेंगे। दूध में कैरेमल को मिक्स कर लेना है। दूध में जाने पर कैरेमल का लंप बन सकता है, पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद वो अपने आप दूध में मेल्ट हो जाएगा। कैरेमल दूध में मिक्स हो चुका है। अब इसमें 100 ग्राम मावा ऐड करेंगे। ये अनस्वीटेंड खोआ है। खोए को भी दूध में मिक्स करते हुए पका लेना है। इसे मैं 5 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। अब एक बाउल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है। इसमें 1/4 कप दूध डालकर इसकी स्लरी बना ले। बनाई हुई स्लरी को कुल्फी वाले दूध में ऐड करना है। इसे डालते साथ ही मिक्स करें ताकि लंप ना बने। कॉर्नफ्लोर डालने से कुल्फी का टेक्सचर थिक और क्रीमी हो जाता है। अब बस एक उबाल आने तक के इसे पका लेंगे। कुल्फी का मिक्सचर बनकर तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करके इसे नीचे उतार लूँगी। इसे चलाते हुए पूरा ठंडा कर लेना है। कुल्फी का मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। चलिए इसे अब मोल्ड्स में फिल कर लेते हैं। रोल कट कुल्फी बनाने के लिए यहाँ मैंने स्टील का एक डब्बा ले लिया है। इसमें कुल्फी के मिक्सचर को भर लेंगे। फिल हो जाने पर इस पर क्लिंग रैप लगा लें और ढक्कन लगाकर पैक कर दें। इस कुल्फी को कम से कम 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने देना है। बचे हुए कुल्फी के मिक्सचर को मैं इन मिट्टी के कुल्हड़ में भर लूँगी। इन पर थोड़े से पिस्ता भी डाल लेंगे और क्लिंग रैप लगाकर बंद कर लेंगे। पेपर कप में भी मैंने इस मिक्सचर को फिल कर लिया है। ओवरनाइट मैंने कुल्फी को सेट कर लिया था। ये सेट हो चुकी है। इसे अब मैं निकाल कर दिखाती हूँ।
ढक्कन खोलकर क्लिंग रैप को निकाल लें। आप देख सकते हैं कुल्फी एकदम परफेक्ट सेट हो चुकी है। इसका कलर भी कितना परफेक्ट आया है, बिल्कुल बाहर मिलने वाली रोल कट मावा कुल्फी की तरह। अब एक नाइफ की मदद से इसे डीमोल्ड कर लेंगे। ये रोल कट कुल्फी आसानी से बाहर निकल आती है। इसकी अब मैं स्लाइसेस कट करके दिखाती हूँ। लग रही है ना बिल्कुल मार्केट की तरह। इसे हमने घर पर बनाया है तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया होगा। ऊपर से थोड़े पिस्ता डाल लेंगे। तो ये लीजिए, रोल कट मावा मलाई कुल्फी बनकर तैयार है। बहुत ही रिच, बहुत ही क्रीमी कुल्फी आसानी से घर पर बन गई। आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करें। आई एम श्योर ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। बाकी मोल्ड्स की भी कुल्फी सेट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।